Hello friends, welcome to my channel eGrammar and R tutorials. Now in this video we are going to see homophones. This is another session for homophone. Okay, now let's begin our video. First, hid. अब देखिए ये जो word है hid, एक short form है. एक तो he had का short form हो सकता है या फिर he would का short form हो सकता है. Okay, और ये अलग word है. देखिए hid इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ ही वुड और ही हैड. अब इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस देखते हैं. हीड लाइक टू कम, हीड नॉट हेल्प अदर्स, हीड बी देयर ऑन टाइम, हीड ऑलवेज स्टार्टेड हिज बिजनेस, हीड गॉन सो फार. ओके, अब कई जगहों पे ही हैड यूज हुआ है या फिर कई जगहों पे ही वुड यूज हुआ है. ओके, अंडरस्टूड. अब ये जो हेड है हीड है, इसका मतलब होता है ध्यान देना. ओके, पे अटेंशन. चलो इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस देखते हैं. सैम डिडंट हीड द वार्निंग, हीड पब्लिक ओपिनियन, शी डजंट हीड एनी एडवाइस, दे हीड नो अटेंशन टू वार्निंग, हीड ऑल वार्निंग्स. अंडरस्टूड. चलो सेकेंड देखते हैं हम. इट्स, अब जैसे आपको बोला था इट्स, इट इज अ शॉर्ट फॉर्म. एक्चुअली इट इज, इसे हम कह सकते हैं. ओके, एंड इट्स, इसका मतलब होता है खाना. चलो कुछ सेंटेंस देखते हैं. देखिए जैसे मैंने कहा था इट्स इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ इट इज, मतलब कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऐसे कह सकते हैं आप. सेंटेंस देखिए, इट्स अ न्यू थिंग, इट्स ईजी, इट्स माई कार, इट्स मंडे, इट्स सिंपली अमेजिंग. अंडरस्टूड. अब ये इट्स से रिलेटेड कुछ सेंटेंस देखे. शी इट्स अलॉट, सैम इट्स डिनर, ही इट्स एन एप्पल, इट इट्स बनाना, ही इट्स इन द मॉर्निंग. अंडरस्टूड. नेक्स्ट वर्ड देखिए, हुज. अब ये जो हुज है ये अनदर एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है हु इज का. इसका मतलब होता है जो. और हुज ये जो है इसका मतलब होता है किसका. ओके, अब सेंटेंस में आपको ये समझ में आएगा. देखिए हु इज कॉन्ट्रैक्ट, हुज इज अ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हु इज. सेंटेंस देखिए, हुज देयर, हुज ही, हुज हियर, हुज दैट, हुज कुकिंग. अंडरस्टूड. अब ये जो हुज है इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस देखिए. एक्चुअली सब क्वेश्चन ही होंगे. हुज फ्रेंड इज ही, हुज शूज आर दोज, हुज टर्न इज नेक्स्ट, हुज कार इज दिस, हुज पेन इज दिस. अंडरस्टूड. ये दोनों डब्ल्यू एच वर्ड्स है, ये आपको ध्यान में रखना है. नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, व्हाट्स. ये भी एक शॉर्ट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है व्हाट इज का, व्हाट्स. ओके, और ये जो है ये एक यूनिट है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी मेजर करते हैं, इसे हम वैट्स कहते हैं. ओके, व्हाट्स, व्हाट्स. ओके, चलो सेंटेंस देखते हैं. देखिए मैंने आपको कहा था व्हाट्स इज अ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ व्हाट इज. व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स अप, व्हाट्स द मैटर, What's that sound? Understood? अब ये what's से रिलेटेड कुछ सेंटेंस देखते हैं. पहले इसका मीनिंग देख लिए. इट इज इलेक्ट्रिकल यूनिट. इलेक्ट्रिसिटी जब आप मेजर करते हो या फिर उसके लिए जब इलेक्ट्रिसिटी के लिए कुछ यूनिट यूज करते हो तो उसे what's कहा जाता है. सेंटेंस देखिए, हाउ मेनी what's इन एन एम्पियर. What's इज ए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर. वी यूज 40 watt बल्ब इन अ रूम. अंडरस्टूड. नेक्स्ट वर्ड देखिए, ये देखिए विच. विच का मतलब होता है कौन सा. और ये जो विच है इसे कहा जाता है राक्षसनी, जादूगरनी, इसे इस तरीके से विच बोला जाता है. ओके, सेंटेंस देखिए, विच इज बेटर टू यूज, विच लेग हर्ट्स, विच इज योर फेवरेट कार, विच वन इज ओरिजिनल, विच इज योर बुक, विच इज बेटर.
अब ये विच से रिलेटेड कुछ सेंटेंस देखिए, पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं. वुमन विथ मैजिकल पावर, ओके सेंटेंस देखिए, शी इज विच, द विच कर्स द लिटिल गर्ल, माई वाइफ इज अ विच, आई हैव नेवर सीन अ विच, शी इज पावरफुल विच. अंडरस्टूड. नेक्स्ट देखते हैं ब्लू. अब ये तो आपको मालूम है ब्लू एक कलर है, नीला रंग, ओके. और इस ब्लू का मतलब होता है कि उड़ा देना, ओके. चलो सेंटेंस देखते हैं ब्लू से रिलेटेड. द स्काई इज ब्लू, डू यू हैव ब्लू कलर, ब्लू इज माय फेवरेट कलर, शी वोर अ ब्लू ड्रेस, आई हैव अ ब्लू पेन, शी हैज अ ब्लू कार. अंडरस्टूड. यहां पे देखिए ब्लू का मतलब क्या होता है, देखिए ये जो है ब्लू का पास्ट टेंस है, ओके, बट मीनिंग तो सेम होता है उसका, उड़ा देना, ओके. माय हैट ब्लू अप, द ट्रेन ब्लू हॉर्न, कोल्ड विंड ब्लू इन, आई ब्लू अ कैंडल आउट, द सायरन ब्लू लाउडली. अंडरस्टूड. नेक्स्ट देखते हैं रेड. ये तो आपको मालूम है कलर, ओके, रेड इट्स अ कलर, लाल रंग. और ये जो है ये रीड का पास्ट टेंस है, रीड, रेड, रीड, हम ऐसे उसको प्रोनाउंस करते हैं, ओके. चलो इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस देखते हैं. आई हैव अ रेड कार, रेड लुक्स हॉरिबल, माई आईज आर रेड, आई लाइक रेड मीट, इज एप्पल रेड, आई वुड लाइक टू टेस्ट रेड वाइन. अंडरस्टूड. अब ये रेड से रिलेटेड देखिए, इट्स अ पास्ट फॉर्म ऑफ रीड. अब देखिए रीड और रेड दोनों का स्पेलिंग एक ही होता है, बट जब हम पढ़ते हैं उसे, वो तीनों फॉर्म्स को हम जब पढ़ते हैं, रीड, रेड, रीड, ऐसे ही पढ़ते हैं, इसलिए स्पेलिंग एक ही रहता है, सिर्फ प्रोनंसिएशन अलग होते हैं. ही रेड द नॉवल, हैव यू रेड दिस पोयम, आई रेड हिज बुक, वी रेड दैट आर्टिकल. अंडरस्टूड. नेक्स्ट देखिए ग्रेज. अब ये ग्रे आप कलर जानते हो, ग्रे कलर, ओके. और ये जो ग्रेज है इसका मतलब होता है चरना, जो गाय भैंसे जो खेतों में जाके या फिर किसी चीज को खाते हैं तो उसे ग्रेज कहते हैं हम, ओके. अंडरस्टूड. अब ग्रेज मतलब कलर. पहला देखिए, आर्टिस्ट यूज ग्रेज इन हिज पेंटिंग, हिज ब्यूटिफुल, हियर इज अ ब्यूटिफुल यूज ऑफ ग्रेज इन कैनवस. अंडरस्टूड. अब ग्रेज इसका मीनिंग देखिए, एनिमल इट्स ग्रास इन अ फील्ड. सेंटेंस देखिए, माई काउ ग्रेज इन अ फील्ड एवरी मॉर्निंग, एनिमल्स टेंड टू ग्रेज इन हर्ड, फाइव काउ ग्रेज अराउंड माई हाउस एवरी डे. अंडरस्टूड. नेक्स्ट देखिए सन. यहां पे देखिए सन, सन यानी के किस लड़की को कहा जाता है, मतलब मेरा लड़का, इसे हम सन कहते हैं. और एस यू एन सन यानी कि सूरज, ये तो आप जानते हो. चलो कुछ सेंटेंस देखते हैं इससे रिलेटेड. आई हैव अ सन, माय सन इज वेरी इंटेलिजेंट, दैट्स माय सन, कॉल माय सन, वेयर इज माय सन, इज दिस योर सन. अंडरस्टूड. अब ये सन से रिलेटेड कुछ सेंटेंस देखिए. द सन शाइन्स ब्राइटली, द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन इज यूजफुल एनर्जी सोर्स, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन गिव्स अस हीट. अंडरस्टूड. नेक्स्ट देखिए प्रोबेबली द लास्ट वन, आंट. ये आंट यानी कि आप जिसे चाची, मामी, इन सबको आप इंग्लिश में आंट कहते हो, ओके. और ये जो आंट है ये शॉर्ट फॉर्म है आर नॉट का, ये आपको ध्यान में रखना है. बट इसको आर नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म है इसे आरंट नहीं प्रोनाउंस करना है, इसे आंट प्रोनाउंस करना है, ओके. अंडरस्टूड. चलो सेंटेंस देखते हैं. शी इज माई आंट, हिज आंट हैज बिग हाउस, माई आंट ब्रॉट मी सम फ्रूट्स, आई हैव एन आंट एंड अंकल इन इंडिया, वॉट डज योर आंट डू, माई आंट हैड थ्री किड्स.
अंडरस्टूड. अब ये aren't देखिए इसका मीनिंग क्या होता है, आर नॉट. ओके, तो उसका शॉर्ट फॉर्म मतलब कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होगा, aren't. चलो कुछ सेंटेंस देखते हैं. दे आर लेट, aren't they? वी aren't hungry yet. We are being bossy, aren't we? These things aren't mine. Aren't they watching cricket? Understood? Thanks for watching my video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you very much.